दोस्तों सब्सक्राइब करें रश्मि ज्वलॉग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई रेसिपीज देखने के लिए। आज मैं आपको एक साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही एक डिलीशियस सी बर्फी जो घर के बहुत ही नॉर्मल सामान से बना सकते हैं और टेस्ट इतना होगा कि बस आप मत पूछिए ना। जब भी मेहमान आने वाले हो तो आप इस स्वीट को फटाफट में तैयार कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो मैंने दो बाउल में दूध लिया है। एक बाउल के अंदर मैं डाल रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, कोकोनट का बूरा, और दूसरे बाउल में मैं उतना ही डालूंगी मिल्क पाउडर। तो ये दोनों हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा था। दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं स्पून की सहायता से। तो ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसके अंदर बिल्कुल भी गांठे नहीं रहनी चाहिए। तो अब गैस पे मैंने पैन टिका दिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टीस्पून घी, और इसके अंदर हम डाल देंगे और जो मिल्क पाउडर था हमने दूध में घोल करके रखा था वो डाल देंगे। अब इसके अंदर बबल्स है तो जैसे जैसे हम पकाएंगे ना तो सारे जो बबल्स है वो ऑटोमेटिक ही निकल जाएंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे ये इस तरह से जो मिल्क पाउडर है इसके अंदर घुल जाएगा। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो मिल्क पाउडर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है तो अब हम इसके अंदर ये डाल देते हैं कोकोनट भी, और डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो ये ग्रीन इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब इसको और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि ये दूध है ना, दूध की नमी जो जल नहीं जाती है तब तक हम इसे पका लेते हैं। कोकोनट का बूरा भी अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर शुगर पाउडर, मीठे के अकॉर्डिंग शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स कर ले, और इसे हम मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक। तो अब आप देख सकते हो बैटर अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, चलाते हुए ही हम इसको ठंडा करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ, जो बैटर था ना वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम लगभग 1 चम्मच भर के इस तरह से बैटर लेंगे, और इस तरह से शेप लगा देंगे अपनी बर्फी का। बहुत ही सुंदर सा शेप आएगा, खाने में दोस्तों बहुत टेस्टी है। जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो इस तरह का शेप दे करके बर्फी का, और अब हम ये देखिए ये मैंने कोकोनट का बूरा लिया है, इससे ऐसे इसको कोट कर लेंगे। देखिए कितने प्यारी सी यम्मी सी बर्फी बनकर के रेडी होगी। तो इसी तरह से सारी बर्फी तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों हमारी सारी बर्फी बन करके रेडी है। तो अब हम इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं ऑरेंज फूड कलर की टिक्की लगा रही हूँ और इस पर थोड़ा सा पिस्ता लगा करके हम इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी स्वीट, मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा देती हूँ हमारी स्वीट कितनी गजब की बनी है, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बनी है, एकदम से सॉफ्ट डिलीशियस। तो जरूर बनाइएगा आप, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बेहतरीन स्वाद है और बहुत अच्छी लगती है, और स्टोर करके भी आप इसे रख सकते हैं काफी दिनों तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना। थैंक यू।